हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बिमला पिकल बनाने वाली हूँ। ये मैंने धो के रखे हैं, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पिकल बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसे काट देते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसे कट करने के लिए। सबसे पहले इसके एजेस कट करने हैं, फिर इसको आप जैसे चाहिए कट कर सकते हैं, राउंड या फिर बीच में से कट करके। लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा पतला भी नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए गाइस, मैंने सारे कट कर दिए हैं। अब हम इनको नमक लगाते हैं। गाइस, नमक लगा के अच्छी तरह मिलाया है। अभी इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ देगा। आफ्टर 3 आवर्स मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं 2 टेबलस्पून, और ये मेथी 1 टेबलस्पून। इनको अभी तवे पे सेकना है। चलिए अभी दिखाती हूँ। मस्टर्ड सेकने से पहले इसमें हम मिर्ची पाउडर डालते हैं। ये 4 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर है। ये देखिए, आप बिमला के क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची पाउडर डालिए। ये मिला के रखते हैं। देखिए, मैंने अच्छी तरह मिलाया है। अब इसको रखते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी मैं गैस ऑन करती हूँ। पहले हम मेथी सेकेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर आना चाहिए, फिर हम गैस बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, पूरा काला नहीं करना है इसे। अभी ये बिल्कुल रेडी है, हम निकाल देते हैं अभी से। अभी इसमें मस्टर्ड डाल देते हैं। सब भी रेडी हो गए हैं, हम निकाल देते हैं इसको। चलिए अभी ये कूटते हैं। आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दरदरा रखूंगी। ये बहुत अच्छी तरह कूटना होगा। अभी मैं इसमें मेथी कूटती हूँ। ये भी दरदरा ही बनाना है। अब हम ये मेथी पाउडर इसमें डालते हैं और ये मस्टर्ड भी डालते हैं। अभी इसे मिलाते हैं अच्छी तरह से।
ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके डालती हूँ। चलिए कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें मैं एक कटोरी जितना गुड़ डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा मेल्ट करेंगे और थोड़ा ठंडा करके डालेंगे इसमें पिकल में। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। हमें गुड़ सिर्फ मेल्ट करना है, पकाना नहीं है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बाद में हम लोग ऐड करेंगे। ये ठंडा हो गया है गुड़, अभी हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसको मिला देते हैं। ये देखिए गुड़ मैंने अच्छी तरह मिला दिया है इसमें। अभी हम लास्ट प्रोसीजर करेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। उससे पहले इसमें एक स्पून शक्कर डालेंगे, सिर्फ एक स्पून डालनी है। ये देखिए कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग डालते हैं। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बाद में पिकल में डालेंगे। ये देखिए गाइस मैंने अचार, मैंने पिकल इस ग्लास के बॉटल में डाला है दोनों का। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं जो हम लोगों ने गरम किया था। ये अभी ठंडा हो गया है, ऐसे ऊपर से डाल देते हैं। इन्हें मैं अभी फ्रिज में लगाने वाली हूँ। हम लोग इसे फ्रिज में रख के एक महीने तक खा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।